हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काफ मसल पेन के बारे में। ये होता है हमारा काफ मसल, जिसको हम लोअर लेग बोलते हैं। अब इसका पेन चार तरीके से होता है, यानी कि चार कॉज हो सकते हैं इसके पेन के। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कॉज का डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, तो हमें कॉज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हमें जब रीज़न पता होगा तभी उसके हिसाब से एक्सरसाइज कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ हम स्ट्रेचिंग ही करते रहते हैं काफ की, जो कि कई बार गलत भी प्रूफ होती है। तो मैं अब आपको बताऊंगा चार रीजन और उसकी एक्सरसाइज, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये है हमारा काफ मसल, इसको काफ एरिया बोलते हैं और ये गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस दो मसल से मिलकर बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इसमें अब आपको मैं पहला पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला तो हमारा कॉज होता है शैटिका। जैसे हमारी आपको पता है L4, L5, L5S1 में जब नर्व कंप्रेशन होती है तो पेन सीधा लेग तक जाती है। एक तो वो रीज़न होता है हमारे काफ मसल में पेन होने का, और वो मोस्टली स्टैंडिंग में या वॉकिंग में शुरू हो जाता है। जब वो रेस्ट पे होता है तो पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल होता है, कई बार रेस्ट में भी पेन हो रहा होता है, पर उसको इसकी सेंसेशन पता होती है कि ये पेन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, उसमें उसको लोकलाइज पेन नहीं फील होता। अब कई लोग क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करने लग पड़ते हैं, लोकली काफ को मसाज करने लग पड़ते हैं या काफ एरिया को स्ट्रेच करने लग पड़ते हैं। जब आपको पता है कि कंप्रेशन ऊपर से हो रहा है तो नीचे ठीक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कंप्रेशन रहेगा तब तक वो पेन नीचे भेजता जाएगा, क्योंकि उसका कॉज जो है वो कंप्रेशन है नर्व की, L4, L5, L5S1 या कई बार पेरिफोर्मिस सिंड्रोम की वजह से भी इस जब सेटिंग नर्व इरिटेट होती है तो वो कंप्रेशन की वजह से पेन करती है। तो जब तक वो कंप्रेशन नहीं जाएगा तब तक आप काफ मसल लोकल एरिया पे कुछ भी करते रहे वो पेन ठीक नहीं होगा। तो अब चलते हैं अपने सेकंड रीज़न की तरफ। अब सेकंड कॉज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है और बहुत ध्यान देने वाला है, ये होता है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तब काफ एरिया में एक पिन पॉइंट, ये जो काफ मसल का जो बल्क है यहाँ पे, एक आपको पिन पॉइंट पेन होगा और बहुत शूटिंग पेन होगा। इसका मतलब है वेन के अंदर एक थ्रोम्बस है, एक क्लॉट है। अब जब वो क्लॉट आता है, जब मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, खड़े हैं, ज़्यादा देर खड़े रहने पे भी वो जब वो इरिटेट हो जाएगा, वो क्लॉट आपके वेन में आ जाएगा, तो इतना शूटिंग पेन होगा कि पेशेंट को पता नहीं लगेगा, वो उसको कई बार स्वेटिंग इतनी होने लग पड़ती है। और यहाँ पे इसमें आपने कभी भी मसाज नहीं करना होता। जब आपको पता लग जाए डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, DVT है, इसमें कभी भी मसाज नहीं करना है, क्योंकि ये जो थ्रोम्बस है ये डिसलॉज होकर हमारे लंग्स में जा सकता है और उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको काफ मसल में पेन होता है एक होमैन साइन होता है, होमैन साइन का मतलब होता है यहाँ पे हमने इसको दबा के देखना होता है, एक शूटिंग पेन आएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो बस टूटने ही लगा। तो जब इस साइन में, इसमें क्या होता है, ऐसे दोनों तरफ से इस एरिया और इस एरिया को आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसे आपने देख रहे हो, यहाँ से इसको बिल्कुल रेस्ट पे रख के लेग को यहाँ से इसको प्रेस करके देखना है, जो काफ का बल्की एरिया होता है उसको प्रेस करके देखिए। जब वो थ्रोम्बस या जो क्लॉट है वो वेन के अंदर इस तरह से प्रेस होगा तो बहुत शूटिंग पेन देगा। और इसको कंफर्म करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन या आपको कलर डॉपलर करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको मैं बता रहा हूँ कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉज है, तो इसका ध्यान भी बहुत देना पड़ेगा। जब भी आपको या आपके किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को लगता है कि काफ में पेन होता है और वो बड़ा अननेचुरल सा पेन है, अननेचुरल मतलब कैसे, कि जब क्रैम्प्स पड़ते हैं या जब हमारा मसल स्ट्रेन होता है तब जो पेन होता है ना, वो किसी ना किसी आपको इंजरी की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से होता है। पर ये पेन जो होता है ये मोस्टली रेस्ट पे जो रहते हैं या जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं एक पोजीशन में, जो होल्ड पे रहते हैं, चाहे वो खड़े रहें चाहे वो बैठे रहें, यानी कि काफ की जो मूवमेंट है वो कम हो या एंकल की मूवमेंट कम हो, किसी की मोबिलिटी कम हो, उसमें ये साइन ज़रूर पाया जाएगा। तो उसको अपना, जब भी आपको काफ में पेन हो रहा है तो उसका ध्यान ज़रूर रखना, उसका DVT ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि एक शुगर पेशेंट का जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसका, थायराइड पेशेंट का, या जिसको मोबिलिटी जिसकी कम है उसका, जब भी काफ पेन हो रही है तो आपने उसको कलर डॉपलर करवाना है। ये आपको बता रहा हूँ मैं कि 50% केसेस में जो DVT है वो डायग्नोज हो जाता है और पकड़ा जाता है तो पेशेंट बच जाता है। तो ये हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए ज़रूर करवाना है। ऐसी एक कंडीशन होती है वेरिकोज वेन में मोस्टली पेन नहीं होता, वो बहुत जो लेग्स होती है बहुत हैवी हो जाती हैं या पेशेंट से ज़्यादा खड़े नहीं हुआ जाता, वो मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है वेरिकोज वेन का, वो जाके आप ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने सारी एक्सरसाइज बताई हैं कि वेरिकोज वेन में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है, वो आप कर सकते हैं। तो ये था DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसमें आपने ज़रूर चेक करना है, इसमें कभी मसाज करके उसको थ्रोम्बस को डिसलॉज नहीं करना है, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट, जो है बहुत कॉमन पॉइंट है, वो है मसल स्ट्रेन। काफ मसल का स्ट्रेन प्लेयर्स में बहुत कॉमन है, स्पेशली रनिंग करते हुए जो है, रनिंग के बाद पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है,
उसको डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस भी बोलते हैं। मसल सोरनेस थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है जो कि ओवर यूज़ की वजह से होती है, पर जो स्ट्रेन होता है वो एकदम से झटका लगता है, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं उसमें क्या होता है एकदम से आपको स्टॉप करना पड़ता है और एकदम से प्ले करना पड़ता है, ऐसे टेनिस प्लेयर्स होते हैं। तो एकदम से जब हमें जर्की एक्टिविटी होती है काफ मसल की, ओवर यूज होता है या एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता है, तब वो मसल जो है वो स्ट्रेन में चला जाता है। मसल स्ट्रेन के लिए हम आइस पैक लगा सकते हैं विद इन 24 to 48 आवर्स तक आइस पैक दे सकते हैं, उसके बाद हीटिंग या अल्ट्रासाउंड करके दें जो थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड होता है फिजियोथेरेपी में, या उसके बाद MET टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो एक्सरसाइजेज जो हैं उसमें काफ स्ट्रेचिंग इमीडिएटली नहीं करनी है, क्योंकि स्ट्रेन में मोस्टली लोग गलती करते हैं कि जब स्ट्रेन होता है तो उसमें स्ट्रेच करने लग पड़ते हैं। स्ट्रेन का मतलब है वो तो मसल पहले ही जो है वो अपने आप को बचा रहा है, आपको स्ट्रेन में अगर स्ट्रेच करोगे आप तो उसके फाइबर्स और ख़राब कर दोगे, तो उसको रेस्ट चाहिए होता है उसमें। स्ट्रेन में कभी भी हमने स्ट्रेचिंग नहीं करनी, नहीं तो उसके फाइबर्स और टूट जाएंगे तो स्ट्रेस पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो हीलिंग जो है वो उसकी डिले हो जाएगी, तो हमने हीलिंग को एनहांस करना है इसलिए रेस्ट पे रखिए। तो ये थर्ड पॉइंट था स्ट्रेन। एक होता है फोर्थ पॉइंट जो है मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स जो रीज़न है वो होता है जैसे हम रात को सोए हुए हैं, वो होता है डेफिशिएंसी की वजह से। मान लीजिए आपके अंदर पोटेशियम मैग्नीशियम या कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी है तो रात को लेटे लेटे आपको इतनी ज़ोर से क्रैम्प पड़ेगा, तो जब आप उस पर वेट बियर करोगे तो वो क्रैम्प जो है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। अब ये या तो डेफिशिएंसी से होता है, या फिर से मैं बता रहा हूँ शुगर पेशेंट्स को, या जो ओवर यूज़ करके आए, मान लीजिए आज आपने एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर ली उसके बाद जो क्या है उसके अंदर लैक्टिक एसिड जमा हुआ है, मसल सोरनेस हुई पड़ी है, तो रात को हो सकता है वो क्रैम्प्स भी पड़ जाएँ, क्योंकि उसमें हमें जो मोबिलिटी है उसकी वो ओवर यूज़ हुई हुई है, अब हमने उसको रेस्ट पे रखना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि रात को सोने से पहले आप हीटिंग पैड ले लें काफ मसल के ऊपर, वो आप हीटिंग पैड जो ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और कुछ स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, जितनी काफ की मोबिलिटी अच्छी रहेगी उतना जो है वो मसल क्रैम्प्स कम पड़ेगा और उतने आपकी जो पेन है वो कम होगी। तो ये थे चार रीजंस जिसकी वजह से काफ मसल पेन होता है। अब इसमें से चार में से सिर्फ दो में, जैसे मसल स्ट्रेन हो रहा है या हमारे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो उसमें हमने एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बता दिया DVT में कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज की, वो पहले चेक करवाइए DVT का कंफर्म करवाइए उसके बाद देखेंगे। अदरवाइज़ जो सेटिका है उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाए हुए हैं कि सेटिका नर्व को कैसे रिलैक्स करना है, उसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अकेले काफ मसल को हम स्ट्रेच करके या उसकी कोई भी एक्सरसाइज करके अकेला उसको करते रहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेन जो है वो ऊपर से आ रहा है। तो अब जो मसल स्ट्रेन के लिए और मसल जो हमारा क्रैम्प्स है उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए ये दो चीज़ें, एक तो फोम रोलर और ये स्ट्रेचिंग बेल्ट। अब स्ट्रेचिंग बेल्ट जो है वो तो हर एक के पास होनी चाहिए, क्योंकि सारे मसल स्ट्रेचिंग के लिए, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि स्ट्रेचिंग बेल्ट के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं।